ओम श्री राधा कृष्णाभ्या नमः। श्री गर्ग संहिता चौथा अध्याय, नंद आदि के लक्षण, गोपी युथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्रीदामा नामक मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तोत, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी नौ नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। व्रज मंडल में जो छह वृषभानु हैं उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नामक मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 900,000 गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 500,000 गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 1,000,000 गौवें रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1,00,00,000 गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। 50,00,000 गौओं की अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही व्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 युत होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभो अब आप मेरे समक्ष युत के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे युद्ध कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं, कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं, कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, कई गोपियाँ कुंज वन को सजाती संवारती हैं तथा बहुत तेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरे व्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थीं तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूं, वे सब मेरे पुण्यमय व्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी युत होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फल स्वरूप ये व्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष या पर ब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों तुम्हें जो भी पानी की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वप्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियां बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेता ज्ञान पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न यह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छंद जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है।
सूतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर शिव विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भलीभांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। अब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी पूर्व काल में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां व्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदनी सीता जी से विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें व्रज में गोपी होने का सु अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होंगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आईं। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विहल हो मूर्छित भी हो गईं। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगीं। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे, वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रार्थना है कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे भी हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ, अतएव तुम्हें मेरे वरन आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्ण कुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा, उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विहल हो गईं। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल
मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वही अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभुति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजा धीराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्रित हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपको अर्धांगनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्री मुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वो बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सधर्मिनी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मन कामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, यह यज्ञ सीता ही व्रज में गोपियां होंगी, अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत भगवद ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।